जय जय श्री कृष्णा श्री राधे। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सूर्य ग्रह के बारे में हम सभी जानते हैं, ज्योतिष के अंदर भी इसका बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य से उत्पन्न हुए हैं। ग्रहों के राजा सूर्य कहलाते हैं, और सूर्य को मजबूत करने के लिए हम रत्न आदि ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। सूर्य को मजबूत करने के लिए इसका जो मंत्र है उसका जाप करते हैं, शांति करवाते हैं, इससे संबंधित दान भी करते हैं, जड़ी बूटी भी हम अपने शरीर पर धारण करते हैं। तो क्या इसका फायदा मिलता है? क्या इससे सूर्य मजबूत होता है? ऐसा नहीं है। बहुत रेयर चांस में ऐसा होता है कि इन विधि से सूर्य मजबूत हो जाए। अब ऐसे क्या काम है, ऐसे क्या कार्य है जो प्रतिदिन आप करें तो आपका सूर्य मजबूत हो जाए? सूर्य आपके पंचम भाव के कारक ग्रह हैं। पंचम भाव शिक्षा, संतान, प्रेम आदि का है। नवम से नवम पड़ता है, तो ये मक्खन अगर आप कहें तो ये आपका निचोड़ है, जैसे दूध से लेकर घी तक। तो सूर्य आपके एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं जो यदि कमजोर हो जाएं या उसकी स्थिति अगर गड़बड़ा जाए तो जीवन में उथल पुथल आ जाता है। एकमात्र सूर्य ग्रह अगर जिसके मजबूत होते हैं तो भले ही उसके ऊपर कितनी विपदा आ जाए, वो उसका संघर्ष कर लेगा, सामना कर लेगा और उस द्विधा से बाहर निकल जाएगा। अब सूर्य जो है इसको मजबूत कैसे किया जाए? सूर्य को मजबूत करने के लिए आपको कम से कम 5 बजे उठ जाना चाहिए, यदि आप सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं। भले ही आपके किसी भी ग्रह की दशा क्यों ना चल रही हो, यदि आप सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं तो आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा। और जो भी ग्रह सूर्य को छोड़कर अगर परेशानी कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसको काफी हद तक सूर्य देवता नियंत्रित कर देते हैं, शांत कर देते हैं, क्योंकि ये ग्रहों के राजा हैं। सभी ग्रह इनसे ही उत्पन्न हुए हैं, निकले हैं। इनके प्रकाश के आगे, इनके तेज के आगे सभी ग्रह अपना जो ओरा होता है, जो तेज होता है, वो खो देते हैं। तो सूर्योदय के से पहले उठे, 5 बजे का नियम बनाए। फिर क्या करना है? प्रतिदिन स्नान करके सूर्य देवता को तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर चढ़ाएं। इसकी भी विधि होती है। विधिवत अगर आप चढ़ाएंगे, नियमानुसार आप चढ़ाएंगे, तो जरूर इससे सूर्य आपका मजबूत होगा, शुभ फलदायी होगा। नंबर 3 जो है वो है सूर्य नमस्कार। यदि आप सूर्य नमस्कार करते हैं, 11 बार आप करिए, 11 से लेकर आपको 108 तक पहुंचना है। और जो 108 तक सूर्य नमस्कार करता है, यानी 108 बार जो सूर्य नमस्कार कर लेता है, उसका सूर्य चाहे कैसी भी राशि में हो, कैसे भी भाव में हो, वो मजबूत हो जाता है। सूर्य नमस्कार के अंदर सभी आपके योगा, प्राणायाम, व्यायाम सब आ जाते हैं। तो जरूर आप सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य नमस्कार का आपको अभ्यास करना है सुबह पहले। समय ना मिले तो सायंकाल भी आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। नंबर 4, सूर्य को मजबूत करने के लिए आपको प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। समय मिले तो 3.5 माला तो कम से कम आपको पाठ करना चाहिए, या 11 या 21 माला करेंगे तो अद्भुत फल की प्राप्ति होगी। 5वां जो कार्य है सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। यदि आप 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इससे आपके सूर्य मजबूत होंगे। शरीर में जो बीमारी काफी वर्षों से, काफी समय से आपके शरीर को घेरे हुए थी, वो दूर हो जाएगी।
चेहरे पर तेज होगा। शत्रु विनाश के लिए, शत्रु विनाश के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र रामबाण उपाय होता है। यदि आप प्रसिद्धि चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान ज्ञान प्राप्त करे, गुणवान हो, संस्कारी हो, तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके आप हवन भी कर सकते हैं और इसके अंदर गायत्री मंत्र भी आता है। सूर्य देवता के जो 12 नाम हैं, उनका भी यदि आप सुबह दोपहर शाम स्मरण करते हैं तो भी आपका सूर्य मजबूत होता है। यदि आप अपने पूर्वजों की अमावस्या पूर्णिमा पर सेवा करते हैं, गो सेवा करते हैं और किसी भी ग्रंथ का आप पाठ करते हैं तो इससे सूर्य मजबूत होता है, क्योंकि ज्ञान का सीधा सीधा संबंध सूर्य से होता है, धर्म से होता है। तो जरूर आप ये कार्य करें और सूर्य को आप अपने घर पर ही मजबूत कर सकते हैं बिना रुपया खर्च किए। जरूर आप करें और कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।